दरभंगा शहर में 2018 से द स्पॉटलाइट थिएटर झिलमिल झिझिया कार्यक्रम करते आ रहा है। उसी को लेकर दरभंगा के मिर्जापुर स्थित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दरअसल झिलमिल झिझिया किसी को मालूम ही नहीं है। सांस्कृतिक और पारंपरिक लोक नृत्य झिलमिल झिझिया कई सालों से जो चलते आ रहा है, उस चीजों को लोगों तक कैसे पहुँचाए, द स्पॉटलाइट थिएटर का प्रयास अभी तक का काफी सफल रहा है। आने वाले वंश, हम और कई सारे हमारे दोस्त यह नहीं जानते यह क्या है, इसका अर्थ तक नहीं मालूम, जिसको देखते हुए शुरुआत 2018 से हुआ और 4 सालों में बहुत हद तक सफल रहा है। पहले लोगों को जाकर बुलाना पड़ता था, अब लोग खुद ब खुद देखने आते हैं। संस्था के मेंबर निखिल मिश्रा द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम हर साल जिसकी हमने शुरुआत की है कुछ हद तक सफल होता दिख रहा है और लोग आगे भी आने वाले सालों में यह दिखेगा। पारंपरिक लोक नृत्य जीवित रखना है, एक निश्चित रूप से जीवंत रखना है, हम सब के दायित्व है। ते द्वारा हमारे बहुत बहुत शुभकामना स्पॉटलाइट थिएटर के, अहाँ सबके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, हम कामेश्वर सत्यप्रतिभा पिताश्री बच्चन स्पॉटलाइट थिएटर के ज्ञान के प्रतिभागी के एक तरफ से दिए और बस एक बाद हम सब कार्यक्रम के शुरू करते हैं। सबसे नमस्ते, हमार सबके सपना के साकार करे के लिए हम सब प्रतिभागी के आयोजक के सब देखे लोग छथिन सबके आभारी छी, धन्यवाद। कार्यक्रम जीवन में है, धन्यवाद। हम अगर आग्रह से उत्तर सकते कल्याण समाज पर आज जाओ, हम छोटा आशीर्वाद ये मैम का स्वागत के साथ आशीर्वचन द्वारा देते हैं। बहुत जरूरी था मुझे यहाँ आना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार यहाँ बुलाने के लिए। मैं शायद इकलौता हूँ जो हिंदी में बोल पा रहा हूँ, मैथिली में नहीं बोल पा रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए यहाँ आना और ज्यादा जरूरी है और मैं शायद आगे भी चीजों से जुड़ा रहूंगा। और आप लोग सब जो दर्शक आए हैं उन लोग का भी बहुत बहुत स्वागत और स्पॉटलाइट थिएटर का बहुत आभार और धन्यवाद। लेकिन बहुत धन्यवाद सर, चलो आशीर्वचन के तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत है, अही ग्राम के एक छोट बच्चा सब है जो अपना तरफ से एक नृत्य तैयार करे थे, या दुनिया गीत पर नृत्य तैयार करे थे। भगवान भैया और भजन भैया साथ में और बच्चिया सब के मंच पर आवे में कनेक मदद कर दिए, सब बच्चे के कनेक मंच पर आवे स्पॉटलाइट थिएटर टीम के सम्मान करिए, बहुत पैघ बात छै अहाँके हाथों सम्मान भेनाइ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन सर साथ रहते एक मिनट और ख्याल रही कई टीम के, ठीक ठीक सर हाँ सर आग्रह बीपू भाई जी सर कर सकते हैं। बीपू भाई छथिन मिर्जापुर में जिनका तरफ से 500 रुपया के इनाम एक टीम के लिए मिले और हम चाहे थे कि सर अपना हाथ एक टीम के 500 रुपया के इनाम दौर। बीपू भाई जी मिर्जापुर के छथिन जहाँ यहाँ उनका तरफ से 500 रुपया के इनाम छे स्पॉटलाइट थिएटर की कीमत प्रस्तुति के लिए। बीपू भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्पॉटलाइट थिएटर की टीम के सब प्रतिभागी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जा सके और अभी मैं लेकिन सबसे पहिल बेर झिझिया करे के झिझिया करे जे हमर सबके जे ई पारंपरिक लोक नृत्य अछि जे ई देश से मनायल जा रहल है
तो लोग चीज जेना डाल दिया कि हम सब फैशन में आए लोग, बाकी चीज के फैशन में आए लोग, अपन चीज के हम सब पाछू छोड़े चल गए। तो आजुक युवा आजुक की बच्चा सब बुझे जेनी हमर सबके चीज छी हमरा सबके सहेज के रखवा के या ये कार्यक्रम शुरू करे के उद्देश्य छ। और आजुक की भी हमरा सबके उत्साह दा रहल अछि जे उद्देश्य निरर्थक नहीं छ। धन्यवाद। नहीं है कि हम बाजि सकै छी मुदा ई कहब जे जखन हमरा पता चलल कि झिलमिल झिझिया आयोजन भऽ रहल छै तऽ दुर्गा पूजा के टाइम में पता चलल। ग्रामीण क्षेत्र हमर घर पिंडारू जे अछि, ग्रामीण क्षेत्र में डांस के लगभग हम एकटा रन करै छी, तऽ जते भी कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै हमर इन्वॉल्वमेंट रहैत अछि। ओहि समयमे हम डांस क्लास पर नहि जा पेलहुँ, दू दिन के तैयारी छै। और हमरा जतय तक झिझिया के हम जज केने छी, कहल जाइ छै कि झिझिया के एक बेर अगर माथ पर राखि लै छी तऽ ओकरा उतारल नहि जाइ छै डांस के टाइम में, जतय तक हम जानै छी जे हम सिखने छी। ताहि दुआरे हम रिबन देने छलियै बच्चा सबके, कनिक मिस्टेक भेलै ओहिके लऽ कऽ क्षमा प्रार्थी छी, आगू से ई चीज कंटिन्यू रहतै। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। बस यही कहना है कि हम हर साल 2018 से प्रयासरत हैं कि जो हमने झिलमिल झिझिया नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की, ये बढ़े, बढ़ चढ़ के लोगों के बीच जाए। और हर साल बढ़ते साल हमें इस चीज़ में बदलाव दिख रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे हम रखते हैं, ये जो मिथिला का पारंपरिक लोक नृत्य है झिझिया, हमारी प्रयास है, हमारे संस्था की द स्पॉटलाइट थिएटर का एक प्रयास है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चूँकि जो आने वाले अब के वंश हैं वो झिझिया को मतलब पहचानते ही नहीं, उनको झिझिया शब्द का मतलब भी नहीं पता है। और बच्चे तो बच्चे, जो बड़े जनरेशन के इवन लोग हैं, हमारे जनरेशन के जितने यूथ हैं या हमसे बड़े कह लीजिए, उन तक को नहीं पता कि झिझिया का मतलब क्या है। तो हमारी कोशिश होती है कि गांव घर तक में, चूंकि ये जहां हमने किया ये एक तरह से है तो मिर्ज़ापुर लेकिन एक ग्राम माना जाता है इसको, और यहां पे लोगों का मदद हमें मिला है, लोग जुटे हैं, दर्शक हमारे पास आए हैं, इसलिए आज हमारे पास दर्शक की भीड़ भी थी। हमारी कोशिश रही कि दर्शक तक जो हम कुछ करके मतलब प्रोग्राम 10 जगह करते हैं वो इकट्ठा एक जगह करें और एक मतलब भरे तादाद में लोगों तक पहुंचे। तो बस अपना परिचय दे दें जी। मेरा नाम निखिल मिश्रा हुआ, द स्पॉटलाइट थिएटर दरभंगा के मेंबर हैं।